بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ فاجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. रहमान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं संदल नवाज़ और मेरे साथ है मेरे को होस्ट जुल्फ़कार कमर फरीदी साहब और माहर नूर लतीफ़। माह रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जो के है मगफरत वाला अशरा। इस अशरे में जितनी भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। अपने लिए और दूसरों के लिए माफ़ी मांगिए। मगफरत का अशरा है, इसमें जितनी भी हो सके दुआ कीजिए, इबादत कीजिए। या रब्बुल आलमीन पता नहीं किसकी दुआ कबूल कर ले और हमारे गुनाहों की हमें माफ़ी मिल जाए। हक आ गया बातल चला गया, हक आ गया बातल चला गया, बेशक बातल मिटने के लिए ही था। 16 रमज़ानुल मुबारक फतह मक्का का दिन है और कितनी खामोशी से गुज़र गया। जैसे कि जिसके बारे में मुस्लिम और गैर मुस्लिम कहते हैं कि ये एक अजीम कामयाबी है जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तकलीफ़ों के बाद हासिल की थी। अगर यही कोई और त्यौहार होता तो हम पूरी दुनिया में एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नहीं थकते। ज़रा सोचिए, मेरी तरफ से आप सबको फतह मक्का का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। ये वही दिन है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्ला का रुख किया और खाना कबा का 7 मरतबा तवाफ़ किया। यही दुआ है या रब्बुल आलमीन सबकी मुश्किलें आसान करना, सब पे अपना रहम फरमाना, सब पे अपना करम फरमाना। जो हम 11 महीने में जो गलतियाँ कुताहियाँ जो गुनाह कर चुके हैं उन गुनाहों की हमें माफ़ी देना। दुआएं मांगते रहना चाहिए, दुआओं से ही आपकी आखिरत संवरती है। हम अगर ये कहें कि हम दुआ कर ली है हमने, नहीं, हर वक्त हर पल दुआ करते रहिए। पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की हो और हमारे गुनाहों की हमें माफ़ी मिल जाए, हमारी मगफरत हो जाए, हमारे आखरत सवर जाए। जैसे कि आपको पता है कि हर रोज़ हम एक नए मौजू पे बात करते हैं, हमारे पास एक नया टॉपिक होता है और उस टॉपिक में से आप और हम बहुत कुछ सीखते हैं, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है वो बताएँगे आपको जुल्फ़कार भाई। जी भाई, बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज माह रमज़ान के खूबसूरत लम्हात में आज की स्पेशल ट्रांसमिशन रहमान रमज़ान जो कि रॉयल न्यूज़ पर आप देख रहे हैं, यकम रमज़ान मुबारक से और इंशाल्लाह देख सकेंगे इंतहाई रमज़ान मुबारक तक। और आज टॉपिक के हवाले से दुनिया का आइडियल तरीन फतह जो है वो फतह मक्का है, जिस पर आज हम बात करेंगे। फतह मक्के से पहले कुरैश हर वक्त हजूर से लड़ने को कमर बदस्ता और हमेशा अपनी तलवारों को बुलंद करके हजूर से लड़ने को तैयार रहते थे। लेकिन अल्लाह पाक की मदद से जब अल्लाह पाक ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह मक्का में मदद फरमाई, उसके बाद उनको मालूम हो गया कि अब ना कुरैश कुछ कर सकता है और ना हमारे बस में है। उसके बाद उन्होंने अपनी तलवारों को फेंक कर हजूर की बारगाह में दस्त बदस्ता पेश होकर पिछली जितनी आपके साथ जंगें लड़ी गई,
बुरा भला कहा गया, उसकी माफ़ी तलब की। आज हमारा ख़ास टॉपिक फतह मक्का, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम वालदैन की शान के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ इस खूबसूरत सेट पर बहुत खूबसूरत मेहमान हैं, और हमारा ख़ास सेगमेंट जो आप देखते हैं, मैं मानोर से कहूँगा कि आप उनका तारुफ करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई। मैं अपने पैनल का तारुफ करवाती चलूँ। हमारे सबसे पहले जो नातवा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी सनाखानी कर चुके हैं, उस्मान उबैद। मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ, और बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। उनके साथ साहबजादा पीर काशिफ अली अवैसी आस्ताने आलिया भट्टी शरीफ वज़ीराबाद से हमारे पास मजहबी स्कॉलर हैं, जिनसे आज हम फतेह मक्का और वालिदैन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, उससे हम रिलेटेड आपसे पूछेंगे और हमारे नाज़रीन को इंफॉर्मेशन फराहम करेंगे। अब्दुल अजीज़ आबी साहब, जो सदर अलखिदमत फाउंडेशन हैं, उनके साथ जद्दी पुश्ती हकीम पीर नवाज़ अली नास चिश्ती निज़ामी कादरी, आपको और आप सबको अपने पैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उनके साथ नूरुल हसन राना तजज़ियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और उनके साथ राबेल खान, जो के आर्टिस्ट हैं, वो भी हमारे आज पैनल का और प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। उनके साथ हमारा एक ख़ास सेगमेंट का, जिसे बहुत पसंद किया जाता है, और हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए बेहतर से बेहतर लेके आएँ, दलेर अली आफरीन अली कवाल और हमनवा, जो कि वज़ीराबाद से हैं। आपको और तमाम अपने गेस्ट को मैं अपने प्रोग्राम और ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप तलावत कलाम पाक से ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ साहबजादा वाले शान पीर काशिफ अली अवैसी आस्ताना आलिया भट्टी के शरीफ से इस पैनल का हिस्सा बने, खूबसूरत आयात बयानात की तलावत फरमाई है, और खुदा का जिक्र करें और जिक्र मुस्तफ़ा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना करे। बहुत ही मारूफ सना खान, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उमदा पढ़ते हैं। भाई मोहम्मद उस्मान उबैद कादरी साहब, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हजूर की बारगाह में हदिया की इज्जत पेश फरमाएं। साया नजर करम दी कर सोने आवे, साया नजर मेरे काले छोड़
सोने अबे मेरे खाले छोले भरे सोने अबे सोने अरे जे मेरे सोने अरे जे जे साया नजर करो re ba ve ve re pe aava de mere soniya हमारे साथ आज टॉपिक के हवाले से साहबजादा पीर काशिफ अली अवैसी साहब जो कि आहसान अली भट्टी के शरीफ से हैं, मैं उनसे ही आज के टॉपिक के हवाले से ख़ास तौर पर आज फतह मक्का है तो मैं फतह मक्का से पहले मक्का की हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछना ज़रूर चाहूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے حکم سے سب سے پہلے مسجد حرام کو بنایا گیا اور وہ مسجد حرام جس کو آج ہم بیت اللہ کہتے ہیں یہ مسجد حرام بیت اللہ خانہ کعبہ مکہ شریف حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور مائی ہاجرہ کو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بیابان آبادی میں ریتلی زمین میں پہاڑوں کے درمیان میں چھوڑ کر آ گئے جب واپس چلنے لگے نا تو حضرت سیدہ ام ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے سوال کیا کہ آپ ہمیں اکیلے اس بیابان جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا نہ کوئی درخت ہے نہ کوئی پرندہ ہے نہ کوئی جانور ہے نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی آبادی ہے آپ ہمیں ادھر اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہے تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہاں یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے تو اس وقت حضرت سیدہ ہاجرہ نے فرمایا عرض کی اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور حضرت سیدہ ام ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر بیٹھ گئیں غربت کا دور تھا غربت کا وقت تھا آہستہ آہستہ جو اناج تھا وہ ختم ہو گیا پانی کی قلت تھی پانی ختم ہو گیا ایک وقت ایسا آیا کنٹینیو رکھیں جی 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 ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ
सलाम को प्यास लगी और मई हाजरा सलाम अलैहा की छाती मुबारक से दूध भी खुश्क हो चुका है, बेटे को प्यास लगी और उस बेटे की प्यास को बुझाने के लिए हजरत सैयदा जो दे आपको फौरन ठंडा पानी, बड़े फ्रिज और हैवी ड्यूटी कंप्रेसर के साथ कैनन वाटर डिस्पेंसर अब तीन मुख्तलिफ रंगों में। नहीं मिला, जरा मैं अपने बेटे को देखूं तो बेटा मेरा क्या कर रहा है। हजरत सैयदा महाजरा सलामुल्लाह अलैहा दौड़ती हुई जब अपने बेटे के पास आई तो देखा कि बेटे के पांव की एड़ी के नीचे से पानी का चश्मा निकल रहा है और हजरत सैयदा महाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने देखा वो पानी फैल रहा है। हजरत सैयदा महाजरा ने वो पानी हाथ के इशारे से रोका और कहा कि माह जमजम, ए पानी रुक जा। उस दिन से उसका नाम जमजम रुक गया। जमजम का मतलब है ठहर जा, ठहर जा। नबी अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर उस वक्त मेरी अम्मा हाजरा पानी को हुक्म ना करती तो कयामत तक के लिए पूरी दुनिया में ये पानी फैल जाता। और हजरत सईदा अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो पानी पिलाया बेटे को। फिर एक कबीला आ रहा था, काफिला आ रहा था यमन की तरफ से, वो वहां के आबाद हो गया। चंद साल के बाद सईदना इब्राहिम खलील अलैहि सलाम आए, देखा कि बस्ती आबाद हो चुकी है, लोगों ने वहां पड़ाव डाल लिया है, लोग वहां रह रहे हैं, आबादी आबाद हो रही है। तो उस वक्त सबसे पहले जो घर बनाया गया वो सईदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु सलाम ने और सईदना इस्माईल अलैहि सलातु सलाम ने अल्लाह के घर को बनाया, वो घर जिसे हम मक्कतुल मुकर्मा कहते हैं। बहुत खूबसूरत आपने फतह मक्का की हिस्ट्री और जो पहली हस्ती इस कायनात में आई उनके बारे में भी बताया और फिर जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम उनके बारे में बड़ी खूबसूरत आपने डेफिनेशन की मक्का के हवाले से। हमारे साथ सदर हैं अल खिदमत फाउंडेशन से, बहुत शुक्रिया अब्दुल अजीज़ आबद साहब आप हमारे इस पैनल का हिस्सा बने। आप पहले तो ये बताएं कि अल खिदमत जो फाउंडेशन है ये क्या है और किन लोगों के लिए है, इससे मुतल्लिक थोड़ा सा आप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं राय की ट्रांसमिशन जो रमज़ान ट्रांसमिशन पे है, मैं ये समझता हूँ रमज़ान के इन दिनों में बाबरकत महीने में इस किस्म की महफल और इस किस्म की महाफल का इनेकाद करना, जो भी चैनल जो इस किस्म की महफलों का इनेकाद करते हैं वो मुबारकबाद होते हैं। और आज ने लाइव ट्रांसमिशन का आगाज़ किया हुआ है तो मैं इसकी पूरी इसकी इंतजामिया को और इसके पूरे आप तमाम लोगों को जो भी इसमें शामिल हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने आप खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुन्नास मैं अनफमनास, खैरुन्नास मैं अनफमनास, लोगों में बेहतरीन लोग वो हैं जो औरों के लिए दूसरों को नफ़ा पहुँचा। इसी बिना पे इसी मकसद इसी बड़े मकसद के लिए अल खिदमत फाउंडेशन खिदमत खलक के लिए लोगों की भलाई के लिए जो है इसका क़याम जो है मार्ग वजूद में आया, यानी कि खिदमत खलक बिला रंगो नस्ल बिला तफरीक मजहब और मसालक जो है खिदमत सब के लिए लेकिन अल्लाह की रजा के लिए। ये खिदमत खलक जो है पाकिस्तान का नस्बोलैन है। इस वक्त खिदमत खलक पाकिस्तान जो है अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है ये सात बड़े चैप्टर्स के अंदर सात बड़े शोबाजात के अंदर जो है इसका काम है। वैसे तो बहुत सारे उसके सब यूनिट्स भी हैं, सब शोबाजात भी हैं, लेकिन सात बड़े इसके अहम शोबाजात हैं। उसमें तालीम है, सेहत है, साफ पानी है, समाजी खिदमात हैं, मवाखात है और एक अहम तरीन शोबा जो है वो कफालत यतमा का शोबा है। आपका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह वजह कायनात जो हैं, आपकी हस्ती मुबारक जो है वो भी अल्लाह ताला ने जो है वो आपको यतीम पैदा किया। तो इस बिना पे जो है अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने अपने बहुत सारे अहम शोबाजात में से
इस अहम शोबे की तरफ जो है सबसे ज्यादा तवज्जो देना जो है शुरू की है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के जो हैं 20 जो आगोश हैं, 20 आगोश और उनमें से 11 आगोश जो हैं जो इस वक्त फंक्शनिंग जो काम कर रहे हैं, जबकि उनका अहदाफ जो है 20 ऐसे आगोश हैं जहां पे बा हिम्मत किस्म हमारे वो जो बच्चे हैं, मुस्तहक जो बच्चे हैं, जिनको हम जो है यतीम बच्चे नहीं कहते, हम उनको मुस्तहक बच्चे कहते हैं, उनके खाने पीने उनकी रहायश का जो है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंतजाम है और उनकी तादाद 2000 है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के मुखय्यर हजरात, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर बहुत भलाई है, बहुत खैर है और अहले खैर के तावन से इस वक्त 11000 यतीम बच्चों की गर्म के अंदर जो है अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान जो है वो कफालत की जिम्मेदारी जो है वो। क्या बात है माशाल्लाह, आप तो दुनिया में ही इतनी नेकियां कमा रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और मजीद कामयाबियां अता फरमाए। बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे बच्चे मुस्तहिक जो बच्चे हैं आप उनकी परवरिश जब आप करते हैं तो रब आप पे अपनी रहमत बरसाता है, आप पे अपना करम फरमाता है। जब आपको पता है कि ये इंसान तकलीफ में है, ये बच्चा तकलीफ में है, तो आप उसकी तकलीफ जब दूर करते हैं तो रब आपकी आपके ऊपर रहमत करता है, आप पे अपना करम फरमाता है। तो ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए और आप इससे भी ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करें। आमीन। बड़े सीनियर तजियाकार हैं नूरुल हसन राणा साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे इस पैनल का हिस्सा बने और अपनी मसरूफियात से वक्त निकाला है। जी रमज़ान शरीफ कैसा गुजर रहा है आपका? मैं जफर भाई राणा साहब ये बता दूँ, बड़ी मुश्किलों से बड़ी वो कहते हैं मिन्नतें कर करके, हाँ जी आपकी मेहरबानी आज है, हाँ जी कहीं नहीं जा रहे, बड़े लोगों की कॉल्स आ रही हैं। बड़ा शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इधर आए और आपने हमें इज्जत बख्शी। माइक है आपके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा अहम दिन है, जंगे जंगे बदर, जंगे बदर, क्योंकि अभी हमने कल का जो हमारा टॉपिक सैयदा हज़रत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, तो क्योंकि आज फिर उस टॉपिक पे हमने बात नहीं की, तो हमारा मैं अभी माजरत के साथ मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रेक लेकर हम वापस आते हैं और आपसे ही कंटिन्यू करेंगे बात की, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप रहिएगा रहमान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ। सुल्तानिया, महंगाई के खिलाफ जिहाद, डेरा गाजी खान का सबसे बड़ा और बेहतरीन सुपर स्टोर सुल्तानिया सुपर स्टोर, क्योंकि आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है और हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि डेरा गाजी खान को स्टैंडर्ड और क्वालिटी की प्रोडक्ट्स पहुंचाई जाएं। सुल्तानिया सुपर स्टोर। वेलकम बैक रमान रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन जो रॉयल न्यूज़ पर जारी है। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन नूरुल हसन राणा साहब, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। जी राणा साहब क्या कह रहे थे आप? उसमें यही अर्ज कर रहा था कि जैसे आज मैंने किया कि 17वीं सही है, 17 रमजान और 12 हमारी सभी तारीख का इतना अहम दिन है। जी जी। और जैसे हम फतह मक्का पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं फतह मक्का के हवाले से, जी जी इसी तरह मैं समझता हूँ कि 17 रमजान और मुबारक
जो हमें दर्स देता है कि अगर आपका जज्बा ईमान है, आपके अंदर ईमान का जज्बा जिंदा है, तो आप तादाद कितने थोड़े क्यों ना हो तो हजारों में बारी हो जाएगी। और जब आपका जज्बा कमजोर हो फिर आप लाखों में भी हो तो सैकड़ों आपको हरा लेते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी। अगर हम पूरी कौम, मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूँ और मीडिया से अलग है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, उसको विजिट करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, घर उठे कुछ बातें देखता रहता हूँ, तो उसमें चीज़ें आती है कि इंटरनेशनल साम्राज्य जो है वो हमें किस तरह घेरने की कोशिश कर रहा है और किस तरह हमें वो किस तरह किसी तरीके से घेर करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्त जब इस वाले से कोई बात करते हैं तो मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, फिर वही बात आ जाती है कि फतह मक अपना फतह जब जब बदल के हवाले से, कि अगर हम अपना जज्बा ईमान जिंदा कर लें, अगर अपने ईमान को जिंदा रखें, तो खुदा की कसम हम जितने थोड़े हैं दुनिया में उतने ज़्यादा भारी होंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या बात, देखिए जंगे बदर हो या जंगे खंदक हो, जंगे खैबर हो, और बहुत की जंग है, हर जंग में मुसलमानों ने जद्दोजहद इसीलिए की है कि इस्लाम को फैलाया जाए। असल जद्दोजहद जो थी वो दीन को फैलाने के लिए थी, और उसी की बदौलत हमारे आका का सर सबसे बुलंद है और सब अंबिया से बुलंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हमारे साथ रबेल खान भी हैं। हाँ जी, हाँ तो इनसे आप ही पूछें। मैं बिल्कुल रबेल से पूछूंगी कि आप मुझे, पहले नंबर पर तो आपको रमज़ानुल मुबारक हो बहुत बहुत, और मसरूफियत का तो मुझे आपका पता है। अज़लफ़र भाई मानूर, मैं बताती हूँ, हम बचपन की दोस्त हैं और हमने स्टार्ट जो शो इसका स्टार्ट था वो हमने इकट्ठे किया था। अल्लो हंस लो, पहले हम हंसते हैं वैसे जब भी मिलते हैं, बस हंसते ही रहते हैं, बातें कम करते हैं। आज ज़रा कुछ बात कर, रमज़ान के बारे में बताइएगा और कैसे रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? बिल्कुल बेशक, और इस महीने में हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करने चाहिए बजाय हंसने के। हाँ, आज भी तो आपने बहुत अच्छा काम किया, हमने आपको बुलाया और आप आ गए, ये सब बहुत अच्छा काम किया आपने माशाल्लाह। और तो रमजान कैसा गुजर रहा है आपका, आप सहरी अफतारी और शूट्स वगैरह कैसे चल रहे हैं आपके? अच्छा, तब क्या चाहते हैं कि मैं हंसूँ या आपने हंसना? बस ये हंसते हंसते रहेंगे। ये भी एक सदका है, किसी को देख के मुस्कुराना, ये भी एक नेकी में शुमार होता है। हाँ साहब हमारे साथ, हाँ जरूर कहो, जब भी हाँ जब से हंसते बात कम करते हैं, इसी हंसी में मैं चाह रहा हूँ कि रूहानियत की तरफ जाते हैं और औलिया इकराम जो तसव्वुफ में कवाली सुनने के बाद हमारी रूह की रज़ा है। लामा साहब जी, आप ये सब क्या हुक्म है कवाली की तरफ, हमारे बड़े खूबसूरत कवाल दलेर अली आफरीन अली खान और उनके हमनवा मौजूद हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप सरकार की बारगाह में हमदिया कलाम पेश करें।
सवाल है तेरे सगों में जो मेरा, तेरे सगों में जो मेरा शुमार हो जाए, तेरे
को नहीं आरज़ू है खुल्दे भरी, मेरे नसीब में उनका तैयार हो जाए, मेरे नसीब में तैयार हो जाए। ओ कदम कदम ते देवा सजते मेरे हमारे साथ बड़े खूबसूरत सना हैं, भवान हैं बड़े खूबसूरत लबुलेजी के साथ, उस्मान उबैद कादरी साहब, आपसे ही गुजारिश करते हैं कि आप सरकार की बारगाह में हदिया कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। जो हो चुका जो का नक्शा हो सूरे जा
से सवाल करना चाहती कर रहे थे अच्छा। मुस्तहिक बच्चों की परवरिश के हवाले से कुरान ने सुन्नत की रोशनी में कुछ फरमाइए हमें बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने एक यतीम बच्चे की परवरिश की कल कयामत के दिन वो इस तरह मेरे साथ खड़ा होगा जैसे ये दो उंगलियां आपस में मिली। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से मुबारक है। और एक यतीम बच्चा था जिसका ना बाप है ना माँ है ना उसकी बहन है ना उसका कोई भाई है, लावारिस है, बिल्कुल लावारिस यतीम है। हर इंसान उसको यतीम के ताने देता है, कोई कहता है तू यतीम है, मस्कीन है, गरीब है, लावारिस है, तू मनहूस है, हर इंसान नफरत करता है। इमाम अल-अंबिया करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन मुज्तबा को और हजरत इमाम हुसैन पाक को अपने कंधों में उठाकर नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और वो यतीम बच्चा जब इस काफिले मुहम्मदी को देखकर रोने लगा, इमाम अल-अंबिया उसके पास गए, जाकर पूछा रोता क्यों है, कहने लगा आज मेरा भी कोई जिंदा होता तो मुझे कंधों पर उठाता, आज मेरा भी कोई जिंदा होता तो मुझे कंधों पर उठाता। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया तेरा कोई नहीं, कहने लगा कोई नहीं। हुजूर ने फरमाया तेरी माँ कोई नहीं कहता कोई नहीं, हुजूर ने फरमाया तेरा बाप कोई नहीं कहता कोई नहीं, हुजूर ने फरमाया तेरे भाई कोई नहीं कहता कोई नहीं, फरमाया तेरी बहन कोई नहीं कहता कोई नहीं। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन है वो काफिर का बच्चा। यहाँ ये काबिल तवज्जो बात है, मुसलमान का बच्चा नहीं है, मोमिन का बच्चा नहीं, काफिर का बच्चा है, लेकिन है गरीब यतीम। इमाम अल-अंबिया करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हसन पाक और इमाम हुसैन पाक को नीचे उतारते हैं, इमाम अल-अंबिया ने उस बच्चे को सीने से लगाया, जब करीम आकर सीने से लगाया उस बच्चे को यतीमी का मजा आ गया। इमाम अल-अंबिया इमाम अल-मुरसलीन ने उसको सीने से लगाया। इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं कि तेरी माँ आयशा सदीका है और तेरी बहन फातिमतुज़्ज़हरा है, तेरे भाई हसन और हुसैन हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा बाप मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। उस ज़ुल्कार भाई उस यतीम बच्चे को इमाम अल-अंबिया ने अपने कंधों पे उठा लिया और हजरत इमाम हसन पाक को इमाम हुसैन पाक को हुजूर ने अपने सीने से लगाया और वो काफिला चलता है ना तो अपने कबीले वालों की तरफ मुंह करके आवाज देता है, वो कबीले वालों आज के बाद कोई मुझे गरीब न कहे, कोई मुझे यतीम न कहे, कोई मुझे लावारिस न कहे, मेरी माँ आयशा सदीका है, मेरी बहन फातिमतुज़्ज़हरा है, मेरे भाई हसन और हुसैन है, मेरा बाप मोहम्मद रसूलुल्लाह है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ तो यतीमो अपनी यतीमी पे नाज करो कि मोहम्मद यतीम पैदा हुआ है। सरकार फरमा दे कोई नहीं उसका मैं मोहम्मद बन के आया हूँ, जिसका कोई नहीं मैं उसका मोहम्मद बन के आया हूँ। ये जो काम ये कर रहे हैं आला खिदमत फाउंडेशन वाले ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और किसी यतीम की परवरिश करना, किसी यतीम के सर पे हाथ रखना, किसी यतीम को कपड़े पहनाना, और ईद वाले दिन नबी अलैहिस्सलाम ने ईद का खुतबा छोड़ दिया था, उधर सहाबे रसूल जो है हुजूर के गुलाम हुजूर के सहाबा वो इंतजार कर रहे हैं कि हुजूर तशरीफ लाए। इमाम अल-अंबिया ईदगाह की तरफ नहीं गए, नबी अलैहिस्सलाम ने उस यतीम बच्चे को पकड़ा और हजरत इमाम हुसैन पाक का लिबास उतार कर उस यतीम को पहना दिया और हजरत इमाम हुसैन को पुराना लिबास पहना दिया। ये दरस मोहम्मद वाले मोहम्मद के घर से मिल रहा है कि जो भी बंदा ये चाहता है कि मुझ पर अल्लाह का फजल हो जाए वो यतीम की परवरिश करे, अल्लाह भी उस बंदे से मोहब्बत करता है, रसूल भी उस बंदे से मोहब्बत करता है। बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है। हमारे साथ राणा साहब हैं। राणा साहब, फतह मक्का हमारा टॉपिक जो है इस हवाले से कि उस दिन जब फतह हुआ अल्लाह के रसूल ने सबको माफ़ कर दिया, चाहे वो काफिर थे चाहे जो भी, लेकिन सब यतीमों को सीने से लगा लिया। इस हवाले से भी आप बताएं, अल खिदमत फाउंडेशन जैसे कि आज ये महीना रमज़ान मुबारक का है और एक छोटी सी भी नेकी जो है वो बहुत बड़ी फजीलत है उसकी, इस हवाले से थोड़ा सा आप भी रोशन डालें। आप तज़िया तो इस पे थोड़ा सा उसको
पे करता है, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि इस पे जितना अच्छा मतलब गुफ्तगू कर सकते हैं, मतलब मेरे जैसा है बंदा उस पे इतनी अच्छी गुफ्तगू नहीं कर सकता। अब जैसे अभी हम सुन रहे थे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यतीमों से बर्ताव के हवाले से, हम जब सीरत नबी को देखते हैं तो उन्हें बहसियत बाप देखते हैं, बहसियत शौहर देखते हैं, बहसियत अपने पहले उनके सगे भाई तो कोई नहीं थे, जो उनके कजन्स हैं उनके भाइयों के वाले से जब उसको देखते हैं, या जो भी रिश्ते हम दुनिया में देखते हैं उनके हवाले से जब उनको देखते हैं तो वो हर रिश्ते के हवाले से एक सिंबल नजर आते हैं आपको पूरी दुनिया के लोगों के लिए, हर उस रिश्ते के लिए। अगर वो बाप है तो दुनिया भर के बापों के लिए जो गुजर गए वो भी, जो आए हैं वो भी, और जो आने हैं उनके लिए भी कोई सिंबल नजर आते हैं कि ऐसा बाप होना चाहिए, ऐसा ही बाप भाई होना चाहिए, ऐसा ही चचा होना चाहिए, ऐसा ही ताया होना चाहिए, ऐसा ही मामू होना चाहिए। ये रिश्ते मतलब बड़ी एक चीज उस सिंबल बन के नजर आते हैं जब हम सीरत नबी देखते हैं। फिर मैं जब देखता हूँ कि फातेह के तौर पर फतेह मक्का में जब हम आते हैं तो फातेह फातेह को हम जब भी देखा है तो उन्होंने आए हैं गर्दने उतार दिए हैं, लोगों को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया है और उनको इबरत का निशान बनाकर बताया है कि मैं फातेह हूं, देखो कि मैंने आज फतेह किया है। ये दुनिया का वाहिद फातेह है। जो इस तरह जा रहा है कि वो खुद मजलूम हो, दुनिया का ऐसा फातेह तारीख ने इस फातेह को भी देखा है, मजलूम बनकर अपने उस शहर में दाखिल हुआ जहां से वो निकाला गया था, जहां से उन्होंने हिजरत की थी। जब हिजरत करके मदीना शरीफ ले गए थे और उस वक्त वही मक्का के लोग उनके जान के दुश्मन थे, और जब आप फतह मक्का के बाद फातेह के तौर पर दाखिल हुए हैं तो आपने उन्हीं को जो उनकी जान के दुश्मन थे उनको माफी दे दी, और आम माफी दे दी, कुछ नहीं पूछा किसी से, कोई बात पूछ नहीं ली, किसी से हिसाब नहीं लिया, और आम माफी का ऐलान देके सबको बख्श दिया। तो मैं समझता हूँ दुनिया में आज तक फातेह के हवाले से भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती, वो फातेह के हवाले से भी सिंपल नहीं कायम रहे आज तक, कोई ऐसा मैंने नहीं देखा। बल्कि हम छोटी छोटी लड़ाइयाँ हो जाए हम आपस में तो हम एक दूसरे को कहते हैं कि मैं इबरत का निशान बनाते हैं, आपस में बातें करते थे, बहुत अच्छी, कभी भी नहीं सोचते मेरे नबी ने क्या किया है, क्या उन्होंने कभी किसी को इबरत का निशान बनाया। हम छोटी छोटी बातों पर लोगों को बहुत दूर तक ले जाते हैं, बहुत दूर तक इंतकाम की कार्रवाइयाँ कर जाते हैं। कभी हम इस तरह अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हयात की तरफ देख ले तो मेरा ख्याल है कि हमारी जिंदगी बदल जाए। बेशक भी बहुत अच्छी बात की राना साहब ने, और रबेल को मैंने अभी तक मुबारक नहीं दी क्योंकि अभी ये कुछ दिन पहले ये भी उमरा करके आए हैं, तो मैंने कहा हज भी किया हुआ है माशाल्लाह, रबेल है ना, हज भी अभी कुछ दिन पहले उमरा भी करके आए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो भी चल रही है स्केड्यूल बहुत टाइट है, क्या क्या आज कल आप कर रहे हैं? जी जब गए थे तो पहला अप्री हज जी माशाल्लाह, जो कि मुझे खुद भी नहीं पता था, मेरे भाई की डेथ हो गई थी जी, उसके 10वें पे जी हमने जाना था, तो अब जब वहाँ पर गए तो हम पहले ही मतलब बहुत ज्यादा परेशान थे, भाई की वजह से बहुत ज्यादा उदास थे, मतलब अपनी माता को कभी संभालती थी, कभी अपने आप को संभालती थी, कभी अल्लाह का घर देखी थी और कभी कहती थी कि शायद अल्लाह ताला की यही मर्जी थी था मुझे, कि उसके बाद भी अपने जवान भाई की वफात के बाद अल्लाह ताला ने कितनी जल्दी अपने घर बुलाकर मतलब एक सुकून वहाँ पर जाके, पहली दफ़ा जब मैं गई तो मुझे इतना सुकून मिला कि मुझे लगा कि इससे खूबसूरत जगह दुनिया में कोई भी नहीं। बेशक बेशक, आप यकीन करो कि संदल में 3 महीने के बाद मैं दोबारा उमरे पे मैंने कहा कि मुझे दोबारा जाना, बिल्कुल ऐसा ही है मुझे पता है। 3 महीने के बाद फिर गई, फिर उसके बाद 1-2 महीने के बाद फिर गई जी, मुझे पता है मैं वहाँ पर जाती थी तो मुझे सुकून मिलता था, बिल्कुल ऐसा ही है जी, कि हम जब अल्लाह का घर देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार बस
यही हकीकत है जिस दुनिया से, कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कहा रमील, मैं भी यही बात हर रोज इसे अपने ट्रांसमिशन में यही जिक्र करती हूँ कि जब मैं उधर गई थी उसके बाद मुझे जो सुकून मिला, मुझे ये दुनिया बिल्कुल, कहते हैं दुनिया फ़ानी है, बिल्कुल वाकई ही में ये फ़ानी है। जब आप उधर जाते हैं अपने रब के घर जाते हैं तो आपको पता चलता है कि असल ज़िंदगी तो ये है, आप असल में उस दिन जिए होते हो जिस दिन आप उधर जाते हो। तो जब हम वापस आए तो जी मुझे एयरपोर्ट पे लोग अजीब लग रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, दुनिया है, हम कहाँ पर आ गए हैं, बिल्कुल दिल नहीं करता वापस आने को, वापस आने को बिल्कुल दिल नहीं करता। जब हम वापस आ गए थे तो मेरा दिल इतना उदास था। हाँ बिल्कुल, हालांकि आपकी फैमिली में जब आप रहते हो तो फैमिली में आपको इतना प्यार होता है, बिल्कुल वापस कहीं पर भी चले जाओ, आप शूट पे जाते हैं, बिल्कुल रिकॉर्डिंग पे जाते हैं तो हम सोचते नहीं यार वापस जाते हैं, फैमिली है, बहुत अच्छी बात की है राबेल आपने माशाल्लाह से। लेकिन ये भी दुनिया और दीन साथ साथ लेके चलना पड़ता है, हम लोग वहाँ पे भी जाके नहीं रह सकते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे भी नहीं रह सकते हैं, तो इंसान वही कामयाब होता है यहाँ पे भी, आपने को दिल ही नहीं करता, लेकिन ये भी तो दीन और दुनिया साथ साथ लेके चलनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे हम लोग सहरी के ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होते हैं सहरी के बाद, जुड़े रहिए रहमान रमजान ट्रांसमिशन के साथ। बिल्ट-इन ओवन, इलेक्ट्रिक और गैस, डबल फंक्शन टेक्नोलॉजी के साथ कैनन चले साल हा साल कारकर्दगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है, अगर किसी ने रोजा रखा हो तो उसे चाहिए कि फहश गोई न करे, शोर शराबा न करे, न किसी से जाहिलाना रवैया रखे, अगर कोई उसे गाली दे या वो झगड़ा करे तो उससे कहे मैं रोजे से हूं। से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी, अल्लाह ताला का इरशाद है, इंसान का हर अमल उसी के लिए है सिवाय रोजे के, रोजा सिर्फ मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला देता हूँ, और रोजा ढाल है, जिस रोज तुम में से कोई रोजे से हो तो ना फौज कलामी करे और ना झगड़े, और अगर उसे कोई गाली दे या उससे लड़े तो वो ये कह दे मैं रोज़े से हूँ, कसम है ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मोहम्मद की जान है, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं जिनसे उसे फरहत होती है, एक फरहत इफ्तार जब वो रोज़ा अफ्तार करता है, और दूसरी फरहत दीदार कि जब वो अपने रब से मिलेगा तो अपने रोज़े के बाइस खुश होगा। LA 301 R Block Lalik Chowk DHL Lahore for contact 042-357-44781 up to 2 Bismillahir Rahmanir Rahim Har kaam mein तवाज़न और तनासब से चलने को मियाना रवि कहा जाता है जी। मौला करम
भेजेंगे तो आप जाएंगे। आज आपका वक्त है। मैं बुलाया दूसरा कुरान कहां से लाऊं? अगर मदद कर भी देंगे तो फिर भी वो उसके लिए पूरा फोटो सेशन करवाएंगे, उसके लिए एक सूट 500-600 का पकड़ते हैं मार्केट से और उसकी न्यूज भी दिलवा देते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है दिखावा इस्लाम में खराद के हवाले से, आप कहते हैं कि पता ना चले किसको दिया कितना दिया। This Ramadan. Welcome, O Ramadan, the month of blessings. Suhoor, iftar, taraweeh, Laylatul Qadr, aitikaf, Eid al-Fitr, and many other practices that Prophet Muhammad, peace be upon him, did in this month of fasting. I'll be there for you throughout this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this month of Ramadan. Ramadan, a date with Dr. Zakir Naik, exclusively on Royal News. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان المبارک میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ Canon water dispenser jo de aapko foran thanda pani, bade fridge aur heavy duty compressor ke sath. Canon water dispenser ab teen mukhtalif rangon mein. Rasoolullah sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, रोजादार किसी से झगड़ा न करे और न गाली दे उस जात की कसम जिसके हाथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है। रोजादार के मुंह से आने वाली बास अल्लाह को मुश्को अंबर से ज्यादा पसंद है। तहकीक पर मबनी जावियों के साथ माजी याद रखकर हाल और मुस्तकबिल पर कड़ी नजर के साथ साहिब इक्तदार और सियासत, रेवेन्यू और कानून, ताजरों के हकूक और उनका तहफ्फुज़, मेरे और आपके मसाइल कब हल होंगे, हम करेंगे बात प्रोग्राम लाइव विद नईम सिद्दीकी में। कैनन वाटर डिस्पेंसर जो दे आपको बड़े फ्रिज हैवी ड्यूटी कंप्रेसर के साथ। कैनन वाटर डिस्पेंसर अब तीन मुख्तलिफ रंगों में।
حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا، آمین آمین آمین۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ جب آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے ہیں تو آپ نے کہا آمین آمین آمین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا، جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کی بخشش نہ ہو اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ جبرائیل نے مجھ سے کہا، آپ اس پر آمین کہیں۔ بس میں نے آمین کہا اور جبرائیل نے کہا، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش نہ آیا اور مر گیا تو جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت سے دور کرے، آپ اس پر آمین کہیں۔ بس میں نے آمین کہا۔ پھر کہا کہ وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا اور وہ مر گیا تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا، بس اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، آپ اس پر آمین کہیں۔ تو میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ लाहौर मोटरवे सिटी में पहले से डेवलप ब्लॉक्स में चंद महदूद प्लॉट्स की बुकिंग जारी है। 5 मरला प्लॉट बुकिंग सिर्फ 3,90,000 रुपए से और 10,500 रुपए महाना एक साथ पर। फाइल नहीं प्लॉट्स। बराए राब्ता मार्केटिंग सॉल्यूशन 0305-440-6666 बुकिंग ऑफिस 70 अहमद ब्लॉक गार्डन टाउन लाहौर साइट ऑफिस कोट अब्दुल मालिक मोटरवे इंटरचेंज शेखुपुरा लाहौर। حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان المبارک آیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس ماہ میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار راتوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم کر دیا گیا وہ گویا ہر خیر سے ہی محروم کر دیا گیا۔ اور میں ماہ رمضان المبارک کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دار کسی سے جھگڑا نہ کرے اور نہ گالی دے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ سے آنے والی باس اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ جو نام ہے روایت کا، 40 سال سے ہر گھر کی زینت، کچن ہڈ، ہاب اور بلٹ ان اوون، الیکٹرک اور گیس، ڈبل فنکشن ٹیکنالوجی کے ساتھ کینن چلے سال ہا سال، کارکردگی بے مثال۔ اللہ 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 دس رمضان ویلکم او رمضان دا منتھ آف بلیسنگز سحر افطار تراویح لیلۃ القدر اعتکاف عید الفطر اینڈ مینی ادر پریکٹسز دیٹ پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ڈیڈ ان دس منتھ آف فاسٹنگ آئی ول بی دیئر فار یو تھرو آؤٹ دس گلوریس منتھ آف رمضان لیٹس میک اٹ مور فروٹفل اینڈ ریوارڈ ورتھی شیئر اٹ ڈیٹ وتھ می ایوری ڈے تھرو آؤٹ دس منتھ آف رمضان رمضان آ ڈیٹ وتھ ڈاکٹر ذاکر نائک ایکسکلوسیولی آن رائل نیوز ارشادِ باری تعالیٰ، اللہ نے جو تمہیں دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر بناؤ اور دنیا میں بھی اپنا نصیب فراموش نہ کرو، تم بھی اسی طرح اچھا کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے، اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کینن واٹر ڈسپینسر جو دے آپ کو فوراً ٹھنڈا پانی، بڑے فریج اور ہیوی ڈیوٹی کمپریسر کے ساتھ کینن واٹر ڈسپینسر، اب 3 مختلف رنگوں میں۔ سلطانیہ
मेरा गाजी खान, कॉल 0342-242-424-0312-026-3331। اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ ہوتا کیا رہا ہے؟ تابوت شام 7:05 پر صرف رائل میوزک۔ اللہ 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 اللہ۔ دس رمضان ویلکم او رمضان، دا منتھ آف بلیسنگز، سحر، افطار، تراویح، لیلۃ القدر، اعتکاف، عید الفطر اینڈ مینی ادر پریکٹسز that Prophet Muhammad, peace be upon him, did in this month of fasting. I'll be there for you throughout this glorious month of Ramadan. Let's make it more fruitful and reward-worthy. Share a date with me every day throughout this month of Ramadan. Ramadan, a date with Dr. Zakir Naik, exclusively on Royal News. Uptown LA, 301 R Block, Lalik Chowk, DH Lahore. For contact, 042-357-44781, up to 2. Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Sahal bin Saad radhiyallahu ta'ala anhu se riwayat hai ki Huzur Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaya, جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزے دار اس میں سے داخل ہوں گے اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا، کہاں ہے روزے دار؟ پس وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکے گا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اور اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ سلطانیہ
हैनन, जो नाम है रवायत का, 40 साल से हर घर की जीनत, किचन हुड, हॉब और बिल्ट इन ओवन, इलेक्ट्रिक और गैस, डबल फंक्शन टेक्नोलॉजी के साथ कैनन चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। छोटी छोटी बातों में छुपी